नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका बाजार इंफॉर्मेशन इंडिया यूट्यूब चैनल में। जी हां दोस्तों, देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम आप इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करेंगे। भाइयों और बहनों, सभी खबरों आपके काम की है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि आने वाले सभी योजनाओं से आप अपडेट रह सके। जी हाँ दोस्तों, भाइयों और बहनों, बड़े और बुजुर्गों, माताओं और बहनों, अशोक गहलोत ने देश प्रदेश की जनता को 10 बड़ी सौगात दी है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ ये 10 बड़ी सौगात साझा करेंगे। किसानों के साथ साथ बेरोजगारों के लिए भी बड़ी सौगात है। राशन कार्ड धारियों के लिए बड़ी अपडेट है। गैस सिलेंडर पर आपको मिलेगी बड़ी छूट। बिजली का बिल होगा पूरी तरह माफ। किसानों को मिलेगी खाद बीज पर सब्सिडी और महिलाओं को मिलेगा स्मार्टफोन। और इसी वीडियो में बताएंगे आज कृषि उपज मंडियों के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। इस चुनावी साल में गहलोत सरकार ने अपना पिटोरा खोल दिया है। आपको सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से देंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहे और दोस्तों अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आने वाली खबरों से आप रोजाना अपडेट रह सके। और दर्शकों, आप कौन से गांव और शहर से बिलोंग करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही बताएं दोस्तों, अब की बार आपके बिजली का बिल कितने रुपए का आया है। राजस्थान सरकार ने बेरोजगारी भत्ता में किया इजाफा। सरकार का कहना है कि उन लोगों को भत्ते की लिस्ट से बाहर किया जाएगा जो घर बैठे बेरोजगारी भत्ते ले रहे हैं। बदलाव की सबसे खास बात यह है कि अब पहले के मुकाबले 1000 रुपए ज्यादा अकाउंट में डाले जाएंगे, लेकिन भत्ता देने के लिए सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव किया है। सरकार का कहना है कि भत्ता उन्हीं लोगों को मिलेगा जो उसके हकदार हैं। सरकार का कहना है कि उन लोगों को भत्ते की लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा जो घर बैठे बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं। यानी अब अगर किसी को बेरोजगारी भत्ता चाहिए तो उसके लिए उम्मीदवार को पहले सख्त मेहनत की जरूरी होगी। मेहनत के बावजूद नौकरी नहीं मिलने पर यह भत्ता दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं महिलाओं को स्मार्टफोन की, तो इसी महीने 25 जुलाई से मिलेंगे स्मार्टफोन। 3 साल तक फ्री होगी इंटरनेट। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई फ्री मोबाइल योजना जिसका नाम मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। इस योजना में राज्य महिलाओं को ऑनलाइन जोड़ना व शिक्षित करना है। आज के समय में आप ऑनलाइन किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं के पास मोबाइल फोन न होने के कारण, इंटरनेट उपलब्ध न होने के कारण महिलाएं आज भी पीछे हैं। लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा शुरू फ्री मोबाइल योजना 2023 के बाद महिलाओं को फ्री इंटरनेट मिलेगा, वे मोबाइल भी फ्री दिया जाएगा, जिससे महिलाएं ऑनलाइन जुड़कर कई तरह के रोजगार के बारे में सीख सकती हैं, ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। बता दें फ्री में मोबाइल मिलने की तारीख का बेसब्री से इंतजार है। बता दें कि सीएम गहलोत ने बजट भाषण में महिलाओं को फ्री मोबाइल देने की घोषणा की थी। योजनाओं को लेकर सभी को इंतजार था, लेकिन इंतजार लंबा पड़ता जा रहा है। इससे पहले सीएम गहलोत ने रक्षाबंधन के अवसर पर फ्री मोबाइल देने की घोषणा की थी, लेकिन तारीख का खुलासा नहीं हुआ था। राजस्थान में अब ये तय हो गया है कि इसी महीने की 25 तारीख के आसपास महिलाओं को फ्री मोबाइल देने के काम शुरू हो जाएगा। सीएम गहलोत ने सोमवार को उदयपुर में किसान सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान कहा कि पूरी उम्मीद है कि 25 जुलाई से महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे और नए साल पर राजस्थान सरकार किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। नए साल पर राजस्थान की गहलोत सरकार किसानों को भी बड़ा तोहफा दे सकती है। सहकारी के बाद अब राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिया गया कर्ज माफ हो सकते हैं। इसके लिए गहलोत सरकार ने राष्ट्रीय बैंकों को कर्ज माफी का प्रस्ताव दिया है। राजस्थान में जब कांग्रेस गहलोत सरकार सत्ता में आई तब सरकार ने बैंकों का 14,000 करोड़ का ऋण माफ किया गया, लेकिन काफी किसानों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी ऋण लिया हुआ है, उनका ऋण माफ नहीं हो सका। ऐसे में अब सरकार के इस प्रस्ताव के बाद इन किसानों को उम्मीद भी जगी है। उम्मीद है कि सरकार के इस प्रस्ताव से बैंकों को सहयोग रहेगा और किसानों का ऋण जल्दी माफ हो सकेगा।